इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त है हमारे इलेक्शन स्पेशल शो चुनाव धमाका का। अब हर रोज आप देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। इस वक्त सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे बंगाल के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड नंदीग्राम, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी के लिए किया है रोड शो। और आपको अमित शाह के रोड शो की पूरी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, बताएंगे कि उसका मतलब क्या है, उन्होंने जो बातें आज कही हैं क्या वो वाकई में चिरतार्थ होती दिखाई देंगी। ये भी जानना हम आपके साथ चाहेंगे कि आज ममता बनर्जी ने किस तरह से उसका प्रतिकार किया है। आज नंदीग्राम में ममता जी अपना रोड शो कर रही हैं, किस रोड शो में कितना दम है और कौन बाजी मारता हुआ दिखाई देगा, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि ममता बनर्जी के रोड शो में भीड़ उतनी ही जुट रही है जितनी अमित शाह के रोड शो में जुटी। तो बंगाल के सियासी महायुद्ध में करीब 40 घंटे बाद सबसे निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है। बंगाल के दूसरे फेज में 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग होनी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। अब से करीब 4 घंटे बाद नंदीग्राम में चुनावी शोर भी थम जाएगा, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम के भूमि पुत्र शुभेंदु के समर्थन में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। शाह ने बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु के लिए ग्रैंड रोड शो किया है। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मनीष, ये बताइए कि अमित शाह के इस रोड शो में बड़े पैमाने पर लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें से वोट में तब्दील कितने होंगे, ये तो खैर हम 2 मई को इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समर्थन कितना मिलता दिख रहा है? देखिए, लोगों का कहना है कि नंदीग्राम में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई है, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी यहाँ पर रोड शो करती हुई आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आज की जो भीड़ है वो वाकई में लोग भी इसका बहुत ज़बरदस्त समर्थन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव उनको चाहिए। अजय जी, मैं आपको बताऊं कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये इंपॉर्टेंट जगह इसलिए भी है कि नंदीग्राम का एक ऐसा चौराहा है जिसके दाहिने और बाएँ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पड़ता है। ब्लॉक 1 जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, और इस पूरे इलाके में 35% लगभग मुस्लिम इलाके रहते हैं, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे अमित शाह को सुनना रहे थे। और जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी आए उस वक्त अमित शाह शुभेंदु अधिकारी का हाथ पकड़कर लेके आए थे और रथ के ऊपर चढ़ा के लेके आए, उनका हाथ उठाकर लोगों के सामने अभिवादन किया, यानी एक मैसेज साफ देने की कोशिश की है कि शुभेंदु अधिकारी यहां से जीतेंगे और जीतने के लिए पूरा जो अमित शाह नहीं बल्कि पूरा बीजेपी का जो कुनबा वो उनके साथ मौजूद है। दूसरी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि अम्फान में यहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, 5 से 10 सालों में ममता के राज में यहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई है और कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं लोग। जाति समीकरण में 70% लगभग यहां पर हिंदू हैं और उसके बाद मुस्लिम यहां पर वोटर बैंक है, 2,13,000 लगभग यहां के वोटर हैं। ये टर्नआउट किस तरीके से होगा, हालांकि ये 2 तारीख के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आज की भीड़ कहीं ना कहीं एक इशारा कर रही है कि यहां पर लोगों ने खुले दिल से समर्थन दिया है। तो मनीष, ये बताइए कि अभी अमित शाह क्या कर रहे हैं, क्योंकि 5 बजे तक तो चुनाव प्रचार इस इलाके में किया जा सकता है। देखिए, अमित शाह का रोड शो था नंदीग्राम में लगभग 0.5 किलोमीटर का, और जो रोड शो की जो समाप्ति थी वो रियापाड़ा में थी, रियापाड़ा जो कि जहाँ पे ममता बनर्जी रुकी हुई है वहाँ से, और वहाँ से फिर अमित शाह डेबरा की तरफ निकल गए, यहाँ से 87 किलोमीटर दूर है डेबरा, और उसके बाद एक और रोड शो, और आखिरी जनसभा करने के बाद लगभग 4 से 4:15 बजे तक के अमित शाह का कार्यक्रम पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अमित शाह का ही नहीं बल्कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से कुछ दूरी पर रोड शो करने वाले हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता और बड़े ऐसे चेहरे जिनको लोग देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, वो नंदीग्राम में उतर चुके हैं और पूरी ताकत लोगों के इसी समर्थन के बलबूते यही दावा किया जा रहा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। मनीष, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच रोड शो के दौरान जो अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत आपने की है वो दिखाते हैं। अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो में बड़ा दावा किया। शाह ने कहा शुभेंदु प्रचंड वोट से ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। नंदीग्राम के चुनावी संग्राम में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। नंदीग्राम का समर बहुत खास है और आपके रोड शो के मायने कहीं ना कहीं दूसरे चरण के चुनाव में बहुत रिफ्लेक्ट होंगे। देखिए, नंदीग्राम में प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। दीदी कह रही है कि बीजेपी घर में बाहरी गुंडे घुसवा रही है लगातार। चलिए, हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। एक चीज और, आपके पहले चरण के जो 26 सीटों के जीत का आपने दावा किया है पहले चरण के चुनाव में, उसमें दीदी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। एक कंजर्वेटिव दावा है। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का आसान रास्ता बताया। अमित शाह ने कहा कि ये रास्ता नंदीग्राम है, जहां से अगर ममता को हरा दिया तो पूरे बंगाल में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा।
सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और नंदीग्राम का मूड समझने के लिए आप चलते हैं इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित के पास। अमित, आप वहां पर लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, नेताओं का इलेक्शन शो कवर कर रहे हैं, नंदीग्राम के दिल में आखिर है क्या? नंदीग्राम में आने के बाद जो मेरी बातचीत हुई लोगों से, तो उससे एक चीज जाहिर हो जाता है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं यहाँ पर और जो वोटिंग होगी उसका जो पैटर्न रहेगा वो पोलराइजेशन के तहत होगा। यानी कि मुस्लिम समुदाय किसके साथ है या फिर हिंदू समुदाय किसके साथ है, ये बहुत डिसाइड कर देगा कि यहाँ जीत कौन हासिल करेगा। और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी जिसका असर झेलना पड़ेगा ममता बनर्जी को, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से 2016 में जीते थे अब बीजेपी में है और ममता बनर्जी खुद यहाँ पर मैदान में उतरी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चैलेंज किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीट कितनी हॉट सीट है और पूरे बंगाल में यही सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नंदीग्राम में 30% से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी आती है और ये किसके साथ जाते हैं ये कई हद तक डिसाइड कर देता है कि किसकी जीत होगी। लेकिन इस बार देखिए शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ है जो यहाँ के एक्स एमएलए हम कह सकते हैं और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। देखिए अगर पोलराइजेशन के हिसाब से वोटिंग होती है तो ममता बनर्जी को लगता है कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन होगा तो एक तरफ अगर मुस्लिम वोट इकट्ठा होगा तो दूसरी तरफ हिंदू वोट इकट्ठा हो जाएगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी मंदिर भी जाती हैं और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय को अपने साथ रखने के लिए उनकी कई दुआएं भी करती हैं। अमित ने हालांकि पूरी तस्वीर नंदीग्राम के आपके सामने प्रस्तुत की है, लेकिन चुनाव में समीकरण सिर्फ धर्म और जाति आधार पर ही नहीं बल्कि कई और मुद्दों पर भी होते हैं। लेकिन इस बात पर हमें गौर करना होगा कि नंदीग्राम की लड़ाई दरअसल पश्चिम बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस के पैर उखड़े तो यकीन मानिए उसके बाद के पूरे के सभी, चाहे आप किसी भी चरणों की बात करें चुनाव के मतदान की, सब भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई देगी। बैटल ऑफ नंदीग्राम के आखिरी राउंड में आज ममता बनर्जी ने भी पूरा जोर लगा दिया है और भारी गर्मी में आज भी ममता सड़क पर उतरी हैं। दीदी टोपी लगाकर व्हीलचेयर से गली गली गांव गांव घूम रही हैं। जब शुभेंदु अधिकारी अमित शाह को रिसीव करने पहुंचे थे तब ममता अपना रोड शो कर चुकी थी और रोड शो के बाद मंच से ममता ने गृह मंत्री शाह पर हमला किया। खेला होबे, वंदे मातरम, इंशाल्लाह जैसे नारे भीड़ से लगवाए। ममता बनर्जी ने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर सवाल उठाया कि होम मिनिस्टर अमित शाह नंदीग्राम में क्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपने कोर वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इसका बड़ा सबूत आज नंदीग्राम के मंच पर दिखा जब वो वंदे मातरम के साथ इंशाल्लाह के नारे लगाती दिखी। जय वंदे मातरम, इंशाल्लाह जय जवाहर, जय बोलना, जय बोलना, जय बोलना,
ममता बनर्जी का ये स्वरूप चुनाव मंच पर सिर्फ नंदीग्राम में नहीं दिख रहा बल्कि पश्चिम बंगाल में हर जगह जहां पर भी वो आज कैंपेन करने या इससे पहले भी कैंपेन करने जाती रही हैं यही स्वरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अभी नंदीग्राम में है अगर आप इसका एक पैरेलल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2019 के अमेठी के लोकसभा के चुनाव पर ध्यान देना पड़ेगा जहां राहुल गांधी को हरा कर स्मृति ईरानी ने जायंट स्लेयर का खिताब हासिल किया था। अब शुभेंदु अधिकारी क्या भारतीय जनता पार्टी के वो जायंट स्लेयर बनने जा रहे हैं जो ममता बनर्जी को हरवाएंगे? जिस नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोटिंग है वहां से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। नंदीग्राम में 35% मुसलमान है, ऐसे में यहां का बैटल बेहद अहम है। नंदीग्राम के मुसलमानों का मिजाज जानने के लिए ही हमारे संवाददाता ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि यहां के मुसलमान किसके साथ, और इसका जो जवाब मिला वो सुनना बेहद जरूरी है। नंदीग्राम में 35% मुसलमान है, किसके साथ है नंदीग्राम में जो मुसलमान? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? जी जी। लेकिन यहाँ दावा किया जाता है कि मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं दीदी के साथ ज्यादा जुड़ा है। जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, और उसका जो इधर जो टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है ना, इसी का डर से वो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन अंदर से सभी बीजेपी का समर्थक है। मुसलमान चाहता क्या है, किसकी सरकार बने, किस तरीके का बदलाव? वो बीजेपी का सरकार बने और शुभेंदु दा यहाँ से जीते, कम से कम 1 लाख वोट से जीते, वो मुस्लिम ही चाह रहा है। नंदीग्राम में बदलाव होगा लग रहा है? जी बिल्कुल बदलाव होगा, लगभग 1 लाख वोट में जीतेंगे शुभेंदु दा, क्योंकि इससे पहले भी पश्चिम बंगला का जनता मालूम हो गया जो पश्चिम बंगला में ममता दी लेके मुसलमान को लेके खेल रही थी, क्योंकि अभी तो पता चल गया। देखिए ना सब बगल में अभी ममता दी का सभा हो रहा है, वहाँ पे पब्लिक नहीं है, पूरा शुभेंदु जी का सभा में देखिए, चाहता है जो शुभेंदु जी यहाँ पे जीते कम से कम लगभग 1 लाख वोट में। शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का दबदबा नंदीग्राम उस पूरे इलाके में कितना जबरदस्त है इसे जानने के लिए आपको सिर्फ इन लोगों की बातचीत सुनने से ही अंदाजा हो जाता है। दरअसल बीते तकरीबन 2 दशक से अधिकारी परिवार ने यहां पर अपना वर्चस्व बना रखा है, और ऐसे में जो लोग बोल रहे हैं क्या वही मतदान पेटी में करने भी जा रहे हैं? 2 मई को इसका खुलासा होगा। हमारे पास सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है बल्कि चुनाव धमाका में आपको बाकी राज्यों की एक एक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। नंदीग्राम से अब सीधे खड़गपुर का रुख करते हैं जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का गढ़ है, जहां पीएम मोदी आ चुके हैं, अमित शाह कैंपेन कर चुके हैं, और यहां पर अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के खड़गपुर सदर से कैंडिडेट बांग्ला स्टार हिरेन चैटर्जी के लिए मैदान में उतरे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी रोड शो किया। रोड शो में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर का सुपरहिट सॉन्ग बज रहा था और मिथुन अपने एवरग्रीन स्टेप्स पर झूमते नजर आ रहे। दरअसल सितारों के साथ यही होता है, वो अपने टेलीविजन और या फिर अपने सिल्वर स्क्रीन के आईने से बाहर निकलकर मतदान करने वाले लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाएं ये ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जिस खड़गपुर की बात करें, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपने लीड को जो बनाया था उस वक्त वो आज भी बनाए रख पाएगी, या तृणमूल कांग्रेस ने जो 2016 में अपना वर्चस्व यहाँ कायम किया था उसे एक बार फिर दोहराएगी। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।